नाउ इलस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का 4.4 चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 12 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पीयर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ओके, जैसे ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन और ये हो गई हमारी वेस्ट डायरेक्शन, और जो 90 एम्पीयर करंट जा रहा है वो यहां से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। Now, what are the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1. due to this current 1.5 meter below the line? Okay, so यहाँ से 1.5 meter below the line P point पे आपको magnetic field find करना। So this is the current carrying wire, ठीक है ना? So magnetic field is given by magnetic field is given by B is equals to mu 0 I upon 2 pi R, ठीक है ना? ये हमारा डिस्टेंस हो गया R, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वापस 2 mu 0 I। अब डायरेक्ट भी यही इक्वेशन लगा दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना? अब डायरेक्ट ये इक्वेशन लगा दोगे तो भी चलेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 4 पाई माइनस 7 90 एम्पीयर 4 पाई और आर का वैल्यू है 1.5 यानी 15 डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ पहले से, ये गए गए, ठीक है ना? 15 6 जा 90 6 2 जा 12 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 6 टेस्ला, ये मैग्नेट। डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन देखो कैसे होगा, ये ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, थंब रखा है, ये देखो इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी वो ऐसे वायर है तो इधर से ऐसे घूम के बाहर आएगी, ठीक है ना? सो मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो ये था हमारा 4.4, थैंक यू वेरी मच।